फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शर्मा स्टडीज सेंटर में। मैं हूं अजीत शर्मा और आज शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट। इसमें आपको टॉप 4 क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका IIT में पूछा गया है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं कि दिया या नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स टू NH3। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2 और NH3। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। देखिए, जो दिया है इक्वेशन, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। N2 दिया हुआ है प्लस 3H2 और 2NH3, ये सारे आपके गैसियस स्टेट में है। किसमें है? गैसियस स्टेट में। तो इसके लिए मैं रेट लिखूंगा, तो रेट क्या होगा? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में DT इज इक्वल्स टू -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में DT इज इक्वल्स टू +1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में DT। देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। देखिए, ये IIT 2000 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, ये ठीक है। द टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, ठीक है। द टेम्परेचर टी डिपेंड्स रेट कॉन्स्टेंट के वाज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन। मतलब एक लॉग के इक्वल टू दिया हुआ है -2000 अपॉन में टी प्लस 6.0। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ए आर, ठीक है। ये देखिए, हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन में आर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ईए का वैल्यू और ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, मैं करूंगा क्या, पहले ये लॉग के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं भी इसको लॉग ले लूंगा, दोनों पक्षों का लॉग ले लेता हूं। तो क्या होगा, लॉग ए माइनस ईए अपॉन में ए, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए, यहां पे होगा लॉग ई होगा, तो ई बेस ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा आपका। तो ये हटा देता हूं मैं आपको, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग के इज इक्वल्स टू, लिख देता हूं माइनस वाला पार्ट का पहले देता हूँ, माइनस ई ए अपॉन में RT प्लस लॉग ए, ठीक है। अब ये इक्वेशन मेरे पास में लॉग के इज इक्वल्स टू दिया है 2×10^3 लिख दूँ इसको, टी लिख दूँ प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 6 को ई बेस है 10/6 लिख सकता हूँ। जब मैं इस दोनों को कंपेयर करूँगा, इस दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूँ, मैं अगर कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए बराबर मिलेगा 10^6 मिलेगा, 10^6 ये सेकेंड इनवर्स ये मिल गया मेरे को। अब ये अपॉन में RT इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, 2×10^3 अपॉन में टी मिलेगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, ये की वैल्यू चाहिए, तो 2×R×10^3 लिख दूं मैं, तो 2×R की वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको कैलोरी में, तो 1.99 ले लो, 10^3 ले लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स 54 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 मोल पर, देखिए ये डेसीमीटर क्यूब दिया है ना, ये आपका लीटर के इक्वल होता है, मतलब लीटर के इक्वल इसको लिखकर DM³ होता है। अगर यहीं पे आपका सेंटीमीटर क्यूब होता ना, डी सेंटीमीटर क्यूब, तो ML के इक्वल होता है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ ML इसको लिख देता हूँ डी सेंटीमीटर, ठीक है, ये ML के इक्वल होता है, ये आपका ML के इक्वल होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है,
2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ये होता है। इसमें क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम दिस, मतलब ये प्रारंभ में इतना था, मतलब इनिशियली इतना था, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 800 मोल पर लीटर, मैंने बताया इसको, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना डिक्रीज रहा, डिक्रीज का मतलब क्या, ये रिमेनिंग यही हो गया, मतलब ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई 50 मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम टी इज इक्वल टू दिया हुआ 2×10⁴ सेकेंड, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुटअप कर दूं, मैं पुटअप कर दूंगा तो मेरे को रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो के इज इक्वल टू क्या लिखूं 2.303 अपॉन में 2×10⁴ हो जाएगा लॉग 800 अपॉन में 50, ठीक है। इसको मैं अप्रॉक्स मानूं तो ये आपका कट जाएगा, तो 10⁻⁴ ऊपर हो जाएगा, चल जाएगा। और मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिखूंगा 2 log 10⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा log 80 माइनस log 5, log 80 माइनस log 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू, लिख दो आप 10⁻⁴, इसको लिखूंगा log 10 प्लस log 8, लिख सकता हूँ माइनस log 5, ये लिख सकता हूँ, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ये log 10 को लिखूंगा मैं log 2 प्लस log 5 प्लस इसको लिखूंगा 3 log 2 माइनस log 5, log 5 कट जाएगा, तो 10⁻⁴ log 2 की वैल्यू को 0.3010 प्लस 3 और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इसको सॉल्व कर दो, 0.3010 प्लस 0.3009, ये आएगी 0.3 के आसपास आएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन आंसर 1.34×10⁻⁴। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका हो जाएगा यूनिट, सेकेंड यूनिवर्स, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए हम एक एक को आपको एनालाइज करेंगे। देखिए ये रेट दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन, देखिए अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ तो रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये कौन सा हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये जीरो ऑर्डर हो गया। देखिए हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे देखूंगा तो सेम मिलेगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन को एन टाइम्स करते हैं तो रेट भी एन टाइम्स होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो बी मेरा सही है। लेकिन इस पे देख लेते, ये सी क्या है, सी में क्या, देखिए कंसंट्रेशन को मैं अगर 2 times करता हूँ तो रेट 4 times हो रहा है, यानी अगर कंसंट्रेशन को एन टाइम करने पर रेट आपका एन स्क्वायर टाइम हो रहा है, तो ये आपका कौन सा, सेकेंड ऑर्डर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर कहलाता है। इस तरह यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इसको 2 times कर रहा हूँ तो ये 8 times हो रहा है, यानी 2 का क्यूब हो रहा है, यानी ये आपका थर्ड है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसको अच्छा सा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।